तो चलिए आज हम लोग यूज ऑफ देयर के बारे में समझेंगे ना। yes, sir. आप समझ चुके हैं ना? yes, sir. आपको हम अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ ना? yes, sir. तो अभी आप जवाब दीजिएगा ना। yes, sir. तो चलिए, तो हमारा जो पहला सेंटेंस है उसका जवाब आप जानते हैं? yes, sir. क्या है? यही तो आप नहीं जान रहे थे। हर चीज में यस सर बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ध्यान देंगे। अब देखिए, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं? बड़े शहर में रहते हैं। तो चलिए अब ध्यान देंगे सेंटेंस के ऊपर कि पानी है, चार राजा है, पांच विद्यालय है, चीनी है, दो राजा है, माँ है, एक किताब है, एक पागल है, पानी नहीं है, एक राजा नहीं है, राजा नहीं है, एक पागल नहीं है, चाय में चीनी है, there is sugar in tea। चाय में चीनी नहीं है, there is not sugar in tea। एक पंखा नहीं है, there is not a fan। एक बच्चा नहीं है, there is not a man। दस राजा नहीं है, there is not a man। एक बैग नहीं है, there is not a bag। तुम नहीं हो, you are हो गया। yes, sir। चलिए, गाय नहीं है, there is not a cow। घर नहीं है, there is not a house। क्या पानी है, is there water। क्या राजा है, is there king। क्या बंदूक है, is there gun। क्या किताब है, is there book। क्या चाय है, is there tea। क्या पंखा है, is there fan। क्या मोबाइल है, is there mobile। तो अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे चलेंगे ना। तो इज देयर नॉट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए, क्या राजा नहीं है, is there not a king। क्या किताब नहीं है, is there not a book। क्या पंखा नहीं है, is there not a fan। क्या मोहन नहीं है, is there not a mohan। क्या मंदिर नहीं है, is there not a temple। क्या मस्जिद नहीं है, is there not a mosque। मस्जिद भी बोल सकते हो और फिर मस्जिद भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत? नो सर। अब अगला नेक्स्ट, थोड़ा सा हार्ड करते हैं टॉपिक को, कोई दिक्कत? नो सर। मेरे गांव में चार विद्यालय है, एक बार पुनः फिर से बोलिए। चलिए, मेरे गांव में दो राजा है, मेरे विद्यालय में 17 टीचर हैं, मेरे घर में चार आदमी है। तो आप लोग समझ गए? yes, sir। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और जितना ज्यादा हो सके अपने ग्रुप में या जो भी माध्यम हो आपके सोशल मीडिया का, उसका सहारा लेके इन वीडियोज को जरूर शेयर करने का प्रयास करें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट इन बच्चों के साथ मिलके बनाने का प्रयास करेंगे। आपका एक लाइक्स हमें क्या करता है, हमें बहुत खूब अच्छी सी एनर्जी देती है, जिसकी वजह से मैं आपको डेली वेब पे वीडियो डालने का प्रयास करता हूँ। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और टॉपिक हमारा रहेगा देयर प्लस वाइस प्लस अदर वर्ड्स।
इस टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। क्या तुम लोग अभी जो मैंने आपके साथ सवाल करेंगे उन सवाल का जवाब दे सकते हो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो हाथ खड़ा कीजिए, कितने आदमी सवाल का जवाब दे सकते हैं? वाह, बहुत अच्छी बात है कि बिना क्वेश्चन बताए मैंने पूछा कि सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो इन सारे बच्चों ने कहा कि हाँ मैं दे सकता हूँ। तो आप लोग अपने हैंड्स को नीचे कर लीजिए। अब चलिए, सवाल मेरा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से है, जो कि इस बोर्ड पे क्या हुआ हुआ है बच्चों, दिया हुआ है, इस बोर्ड पे दिया हुआ है ना? Yes, sir. और इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो जवाब दीजिएगा। Yes, sir. तो चलिए, सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। बहुत अच्छा। सारा खेल अंग्रेजी का है, सारा खेल किताब का है, सारा खेल शिक्षक का है, सारा खेल विज्ञान का है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दे रहे हैं। अब मान लीजिए इसी का नेगेटिव सेंटेंस अगर पूछा जाए तो जवाब दे दीजिएगा। yes, चलिए, सारा खेल किताब का नहीं है, सारा खेल अंग्रेजी का नहीं है, सारा खेल पुस्तक का नहीं है, सारा खेल प्रधानमंत्री का नहीं है, सारा खेल शिक्षक का नहीं है, सारा खेल गांव का नहीं है, इट्स ऑल अबाउट विलेज। सारा खेल पंखा का नहीं है, सारा खेल किताब का नहीं है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, स्ट्रक्चर नंबर कितना हो जाएगा? और थ्री स्ट्रक्चर बोलो तो, थ्री नंबर स्ट्रक्चर क्या है? इज प्लस इट्स प्लस ऑल अबाउट प्लस अदर वर्ड्स। तो अब जवाब दोगे ना सवाल का? yes, चलिए, तो क्या सारा खेल किताब का है? इज इट्स ऑल अबाउट बुक। क्या सारा खेल कुर्सी का है? क्या सारा खेल प्रधानमंत्री का है? क्या सारा खेल शिक्षक का है? क्या सारा खेल आपका है? क्या सारा खेल आपका नहीं है? क्या सारा खेल तुम्हारा है? क्या सारा खेल राष्ट्रपति का है? अब हमको जानना है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा उसको जरा ध्यान से समझेंगे स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हमको क्या करना है, इज के बाद क्या करना है? इट्स। उसके बाद क्या लगाना है? उसके बाद क्या लगाना है? उसके बाद अदर वर्ड्स। तो फिर स्टार्ट करें। yes, sir. क्या सारा खेल पैसों का नहीं है? मतलब इज इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। फिर ध्यान देंगे, क्या सारा खेल पंखों का नहीं है? क्या सारा खेल किताब का नहीं है?
क्या सारा खेल आपका नहीं है? क्या आप लोग इस बात को समझ गए? यस सर। बारी बारी सभी पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा। यस सर। पक्का ना? यस सर। क्या सारा खेल पैसों का है? इट्स ऑल अबाउट मनी। क्या सारा खेल किताब का है? इट्स ऑल अबाउट बुक। क्या सारा खेल तुम्हारा है? इट इज ऑल अबाउट यू। क्या सारा खेल तुम्हारा है? बैठो। क्या सारा खेल शिक्षक का है? It's all about teacher। बोल्ड बोलो, जोर से बोलो ना। It's all about teachers। बैठो। सारा खेल पैसों का है? It's all about। चलो। सारा खेल किताब का है? It's all about book। सारा खेल शिक्षक का है? सारा खेल राम का है? It's all about राम। सारा खेल आपका है? It's all about you। सारा खेल अंग्रेजी का है? It's all about English। सारा खेल हमारा है? It's all about your। हमारा का इंग्लिश आवर होता है। सारा खेल क्रिकेट का है? It's all about। तो इस तरह से हमारे चैनल पे पढ़ाई होती है। अगर आप भी इस चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे हो सके तो शेयर ज़रूर करें। और ये तमाम बच्चों को मैंने अभी स्पोकेन की कुछ चुनिंदा बातों को समझाया है। इसमें कुछ बच्चों ने गलतियाँ भी कर दी हैं, उसके लिए आपको उस गलती पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन वर्डों को अच्छी तरह से फिर से पुनः बता दिया हूँ। अगर फिर भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो कॉमेंट सेक्शन में आप बेझिझक इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स। क्या आप लोगों से अभी जो मैं सवाल करूंगा उसका जवाब कितने आदमी दे सकते हैं? अपने अपने हैंड्स को ऊपर कीजिए। वाह, बहुत अच्छी बात है कि हमने आपसे सवाल किया नहीं और आपने हैंड्स को ऊपर कर लिए। बहुत अच्छी बात है कि आप में जज्बा है कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसका क्या दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। चलिए तो हैंड्स को नीचे कीजिए। और आज जो हम आपसे सवाल करने वाले हैं वो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से करने वाले हैं जो कि सामने आपको दिखाई देता है। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि सारा खेल अंग्रेजी का है। हाथ खड़ा नहीं करना है, बोलना है सिर्फ। सारा खेल पैसों का है? It's all about money। सारा खेल भारत का है? It's all about India। सारा खेल आपका है? It's all about mine। सारा खेल तुम्हारा है? It's all about your। सारा खेल प्रधानमंत्री का है? It's all about prime minister। सारा खेल राष्ट्रपति का है? It's all about president। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस का अगर नेगेटिव पूछेंगे तो बता दीजिएगा। Yes, sir। तो चलिए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? चलिए, सारा खेल पैसों का नहीं है। It's all about money। सारा खेल अंग्रेजी का नहीं है। It's all about English। सारा खेल आपका नहीं है। It's all about mine। सारा खेल तुम्हारा नहीं है। It's all about your। सारा खेल पंखा का नहीं है। It's all about fan। सारा खेल माँ का नहीं है। It's not all about mother। सारा खेल पैसों का नहीं है। It's not all about money। अब हमको जवाब दीजिए आप कि अगर आपसे अगर इंट्रोगेटिव में पूछा जाएगा कि क्या सारा खेल पैसों का है तो आप जवाब दे सकते हैं। Yes, sir। तो बताइए, क्या सारा खेल पैसों का है? It's all about money। क्या सारा खेल किताब का है? It's all about book। क्या सारा खेल आपका है? It's all about।
क्या सारा खेल प्रधानमंत्री का है? क्या सारा खेल भारत का है? क्या सारा खेल क्रिकेट का है? क्या सारा खेल पिताजी का है? क्या सारा खेल राष्ट्रपति का है? क्या आप हमें जवाब दे सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का? यस सर। तो क्या सारा खेल पैसों का नहीं है? क्या सारा खेल राष्ट्रपति का नहीं है? क्या सारा खेल आपका नहीं है? क्या सारा खेल उसके भाई का नहीं है? His brother हो जाएगा। क्या हो जाएगा? His brother। क्या सारा खेल प्रधानमंत्री का नहीं है? He is not all about Prime Minister। क्या सारा खेल पंखा का नहीं है? He is not all about fan। क्या सारा खेल चेयर का नहीं है? He is not all about chair। क्या सारा खेल हमारा नहीं है? He is not all about mother। क्या सारा खेल आपका नहीं है? क्या सारा खेल किताब का नहीं है? क्या आप को इस तरह के सेंटेंस में किसी प्रकार की दिक्कत है? नो सर। कैसा लगा आपकी क्लास आपका? अच्छा। कोई दिक्कत? नो सर। तो साथियों, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर हमने अच्छी तरह से बच्चों को चार स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आप हमारे लगातार व्यूअर होंगे तो आप इसे ज़रूर वॉच करते ही होंगे। और ये सारे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सामने मैंने जो चमक दमक वाले जो सेंटेंस होते हैं स्पोकेन के, वो स्पोकेन को सिखाने का मैंने प्रयास किया है और इन बच्चों ने एक बार में ही समझने का प्रयास कर लिया है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो सके बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमें अच्छी बातें लिखने का प्रयास जरूर करें, ताकि हम और इन बच्चों के साथ मिलकर फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और वो हमारा वीडियो होगा बच्चों क्या यूज ऑफ देयर। क्या होगा? यूज ऑफ देयर। तो चलिए सब आदमी नमस्ते फिर दोबारा कर दीजिए। नमस्ते।